हेलो एवरीवन, आप लोगों ने दम आलू की सब्ज़ी तो कई बार खाई होगी। आज हम यहाँ पर आपको शाही दम आलू बनाने का तरीका बताने वाले हैं। ये सब्ज़ी कुछ अलग तरीके से बनती है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि हम शाही दम आलू कैसे बनाते हैं। ये दम आलू आप किसी भी पार्टी या किसी गेट टुगेदर वगैरह में या घर में भी किसी स्पेशल ओकेजन पे सर्व करेंगे तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं शाही दम आलू कैसे बनाने हैं। इसके लिए हमने ये आलू ले लिए हैं, अच्छे से धो के छील लिए हैं। आलू कच्चा आलू है ये, इसको हम सबसे पहले दो पीसेस में इस तरह से कट करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हों आलू और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हों, इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम कट कर लेंगे सारे पीसेस। ये देखिए, अब हमने सारे आलू हाफ पीसेस में कट कर लिए हैं। इनको इस तरह से आपको कट कर लेना है, इक्वल साइज में रहें, ये कोशिश करिएगा, इक्वली हाफ करिएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे फिलिंग के लिए ये पनीर लिया है, ग्रेटेड पनीर है ये, चाहे आप बाज़ार का ले सकते हैं या फिर आप घर में भी थोड़ा सा पनीर बना के इसको ग्रेट कर सकते हैं। और ये काजू लिए हैं हमने काट के, और ये किशमिश ली है, किशमिश को भी हमने हाफ हाफ पीसेस में कट कर दिया है। तो अब हम इसका मिक्सचर बनाएंगे इस तरह से। पहले हम पनीर में सारा काजू डाल लेंगे, काजू के बाद अब हम किशमिश डाल रहे हैं इसमें। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा हाथ से कर लीजिए जिससे ये स्मूथ हो जाएगा मिक्सचर, आपका फिलिंग करने में इजी पड़ेगा। ये फिलिंग करने से बहुत ही अलग तरह से आलू बनता है और बहुत टेस्टी लगता है जब इसको हम खाते हैं। देखिए, ये फिलिंग बन चुकी है। अब हम ये जो आलू हैं और इसको हम ये पीलर है जो ये जिससे हम छिलका छीलते हैं सब्ज़ी का, उसको लेंगे और इससे हम बहुत संभाल के, देखिए इस तरह से, इस तरह से इसके अंदर से ये निकाल देंगे। इसी तरह हम और आलूओं में भी कर लेंगे। सारे आलू का हम इसी तरीके से ये अंदर से निकाल देंगे। और ये जो कैप है इसको आपको हटाना नहीं है, हम इसमें ये जो हमने फिलिंग बनाई है, फिलिंग को हम इस तरह से अच्छे से इसमें भर देंगे। थोड़ा अंदर अच्छे से दबा दीजिएगा जिससे वो ठीक से अंदर भर जाए, फिल हो जाए। और जो ये हमने कैप हटाई थी इसकी, इसमें से हम ये कट करेंगे, बिल्कुल पतला सा कट कर लेंगे और इस पे लगा देंगे। देखिए ये इस तरह लग गई है। इसी तरह हम सारे आलू फिल करके कैप लगा देंगे इसमें। देखिए, जैसे ये आलू में से हमने जब ये निकाला है तो इसी सेम जो पीस को हम इसमें सेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सेट होगा। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सेम आलू का पीस हम ही इसमें लगाएं। देखिए, हमने इसका ऊपर का हिस्सा निकाल लिया और ये हटा दिया। अब हम इसमें ये पनीर भरेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नीचे तक छेद ना पहुंच जाए, अगर नीचे तक पहुंच जाएगा तो आपका पनीर फिर नीचे से निकल जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से एकदम ऐसा सेट हो जाता है कि पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने निकाला था। इसी तरह अब हम सारे भर लेंगे। अब देखिए, बस ये आलू हमारे सारे फिल हो चुके हैं।
जब फील करिएगा तो पहले एक दो आलू में थोड़ा आपको लगेगा बड़ा ही कठिन है ये, मगर जब एक दो आप भर लेंगे उसके बाद आपको बहुत ही इजी लगेगा, आराम से ये भर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इसको दबा दबा के भरिएगा पनीर को, जिससे निकले नहीं। और इसके बाद जो ये हमारी कैप है ना, इसको हम बहुत पतला सा ऊपर से निकालेंगे, बहुत ज़्यादा मत निकालिएगा, जिससे कि अंदर की फिलिंग ज़्यादा रहे आपकी और आलू कम रहे। देखिए कवर हो जाता है ठीक से, इस तरह से कवर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये साइड में रख देते हैं। अब हम यहाँ पर एक कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं, अरारूट या कॉर्नफ्लोर आप कुछ भी ले सकते हैं, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के स्लरी बना लेंगे इसकी। इसको हमने इतना थिक बनाया है, इसको थोड़ा थिक ही रखना है आपको, क्योंकि ये अब हम ये जो आलू हमने फिल करे हैं, जिस साइड में हमने फिलिंग करी है उस साइड को हम इसमें डुबोएंगे इस तरह से। बस एक इतना ही डुबोना काफ़ी है। और हमने यहाँ पे ऑयल चढ़ाया है, इसको हाई फ्लेम पे हमने चढ़ाया हुआ है अभी, और अगर जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छे से, तब आप इसमें एक एक करके ये आलू इसी तरह से डालते जाएंगे। देखिए हमने इनको आलूओं को हाई फ्लेम में डाला था, देखिए अच्छे से सब प्रॉपर अंदर है फिलिंग, कोई भी फिलिंग निकलेगी नहीं। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पर कर देंगे, जिससे कि अंदर से आलू प्रॉपरली गल जाए। जब तक कि ये आलू हमारे मीडियम फ्लेम में कुक हो रहे हैं, तब तक हम ये चीज़ें ले लेंगे। हमने ये तीन टमाटर लिए हैं, दो लाल मिर्च, आपके पास हरी हो तो हरी ले लीजिएगा, और ये हमने लहसुन ली है, अदरक ली है और प्याज लिया है। इन सबको हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीसेंगे। देखिए ये हमने टमाटर डाल दिए कट करके, प्याज भी डाल रहे हैं हम, और अदरक लहसुन इसमें हमने सब डाल दिया। इसके बाद ये जो हमारी फिलिंग का थोड़ा सा पनीर बच गया था, ये भी हम इसी में डाल देंगे, इससे फिलिंग हमारी और गाढ़ी हो जाएगी। नहीं बचता है तो आप मत डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये जो आलू कटा हुआ पीसेस निकले थे, ये भी हम इसी में डाल दें। ये सब हम अब ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा एक ग्राइंड हो चुका है पेस्ट, इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। और इधर हमारा ये आलू भी फ्राई हो चुका है, तो देखिए इस तरीके का हो गया है दिखने में। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सारे आलू इसी तरह हम फ्राई। ये हमने जो टोमेटो वाला पेस्ट बनाया था वो हमने इसमें निकाल लिया है, तो इसमें जो है आप चाहें तो टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन के अलावा भी आप इसमें ग्रेवी को और थिक करने के लिए आप चाहें तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं, बादाम भी भिगा के ऐड कर सकते हैं, या फिर खसखस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके चॉइस पे है कि आप क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हैं। एक बोल में हम थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे, जितनी हमें अपनी सब्ज़ी में डालनी है, थोड़ी सी लाल मिर्च, गरम मसाला और सूखी धनिया का पाउडर, इन सारी चीज़ों को डाल के हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो
पेस्ट बनाने से क्या होता है कि हमारी सब्जी में अच्छे से सारा मसाला मिक्स हो जाता है एक सा। देखिए ये इस तरह का पेस्ट हो गया है, इतनी थिक पेस्ट लिया है हमने। अब हमने इधर पैन में ऑयल चढ़ा दिया है थोड़ा सा, इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। थोड़ा सा जीरा, और खड़े मसाले में हमने देखिए ये चीज़ें ली हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, दो लाल मिर्च सूखी हुई, और ये हमने चार काली मिर्च ली हैं, दो लौंग ली हैं, और ये हमने बड़ी इलायची ली है, इसको छील के हम डाल देंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद इसमें हमने जो मसाले का पेस्ट बनाया था ये भी हम डाल देंगे, और इसको जल्दी जल्दी चलाना है जिससे हमारा मसाला गले नहीं। इसके बाद इसमें हम ये टमाटर और प्याज वाला पेस्ट भी डाल दें, और हम अच्छे से मसाले को भून लेंगे जब तक कि तेल नहीं छूट जाता। मसाला भूनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जितना अच्छे से मसाला भुना होगा उतना अच्छा कलर आएगा अच्छी सब्जी का। देखिए मसाला खूब अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें ये दही भी डाल दें। दही को हमने अच्छे से फेंट के ले लिया था, इसको हम डाल दें। और दही डालने के बाद खास बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इसको बराबर चलाते रहना है, नहीं तो दही आपका फट जाएगा। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको ये दही को बराबर चलाते रहना है। आप चलाएंगे तो बिल्कुल सही से स्मूथ ग्रेवी बनेगी आपकी। इसको भी खूब अच्छे से भून लीजिए। अब हम इसमें देखिए सब्जी भुन गई, अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। ये कितना अच्छा कलर आया है ग्रेवी का, और अच्छे से ऑयल भी छूट चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ये पानी डाल रहे हैं। पानी ये हमने वही ले लिया है जो टमाटर वगैरह के पेस्ट में बचा हुआ था, उसी में डाल के मैंने निकाल के पानी डाल दिया है। इसमें जितने पानी की ज़रूरत लगे आप उतना डाल सकते हैं। हम इसमें लास्ट में आलू डालेंगे। आलू को बहुत पहले इसलिए नहीं डालना है क्योंकि हमने इसमें फिलिंग की हुई है, और हमने फ्राई करते वक्त आलू को अच्छे से अंदर तक पका लिया था मीडियम फ्लेम में, तो ये अंदर से अच्छे से गल चुके हैं। सारे आलू पीसेस डालने के बाद हम इसको चला के एक बार इस तरीके से, और ढक देंगे। ढक के बस सिर्फ हम इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट हमने इसको कुक कर लिया है आलू को, अब हम इनको सर्व करते हैं। देखिए सारी फिलिंग अंदर है आलू में, इनको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमने ये शाही दम आलू सर्व कर लिए हैं बोल में। देखिए देखने में कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप भी अपने घर में इनको बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। Thank you.